ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं क्या सच में मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आने वाला है, और ये मूव कब आने वाला है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, और हमें किस चीज से पता चलता है कि ये मूव आने वाला है। सारे क्वेश्चन, सारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट्स हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, और अब विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये पूरी बात स्टार्ट होती है एक ट्वीट से, जो कि है माइकल बरी का ट्वीट। अब माइकल बरी कौन है? ये एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है प्लस एक हेज फंड मैनेजर है। इन्होंने ही एक्चुअली 2008 के क्राइसिस को, जो कि एक बैंक क्राइसिस था, आपको पता होगा 2008 का क्रैश, उस क्रैश को इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया था। और इनका जो भी ट्वीट आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, और इनके ट्वीट को समझना पैसे बनाने के बराबर है, क्योंकि इनके ट्वीट से पता चल जाता है कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा होने वाला है, या फिर मार्केट का सिनेरियो, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोस कैसे होने वाले हैं। तो उन्हीं का एक ट्वीट आया है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, माइकल बरी जनरली नेगेटिव कमेंट्री करते हैं मार्केट को लेकर के, थोड़ा बियरिश टाइप का कमेंट्री करते हैं, बट पहली बार माइकल बरी का एक ट्वीट काफी ज्यादा बुलिश तो मैं नहीं कह सकता, बट एक नॉर्मल न्यूट्रल सा ट्वीट लग रहा है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन है, इन्फ्लेशन पीक्ड, मतलब इन्फ्लेशन जो पीक पर आ चुका है, बट इट इज नॉट द लास्ट पीक ऑफ द साइकिल, मतलब इस साइकिल का ये लास्ट पीक नहीं है। वी आर लाइकली टू सी सीपीआई लोअर, पॉसिबली नेगेटिव इन 2H 2023, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में सीपीआई, मतलब इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लोअर मतलब नीचे आ सकता है और पॉसिबली नेगेटिव भी हो सकता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023 एंड द यूएस रिसेशन बाई एनी डेफिनेशन, मतलब यूएस इन रिसेशन, फेड विल कट एंड गवर्नमेंट विल स्टिमुलेट एंड वी विल हैव अनदर इन्फ्लेशन स्पाइक, इट्स नॉट हार्ड। अब इन पूरे बातों को हम समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन पीक हो जाएगा, बट मतलब पीक हो जाएगा नहीं, एक्चुअली पीक हो चुका है, बट ये इसका लास्ट पीक नहीं है, इसके बाद भी ये और पीक बनाता जाएगा। साथ में 2023 के सेकेंड हाफ में हमें इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो कम दिखेगा, मतलब 2023 में इन्फ्लेशन एक्चुअली नीचे आएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट और फेड रेट्स कट होंगे, मतलब इन्फ्लेशन जैसे कट होगा इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, गवर्नमेंट स्टिमुलेट होगा। अब इन चीजों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं और समझते हैं इनसे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, या फिर इन चीजों को देखते हुए हम कैसे समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक काफी अच्छा रनअप आ सकता है। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो, ये है M2 ईयरली ग्रोथ, मतलब M2 मतलब मनी कंट्रोल, मनी प्रिंटिंग, अब समझ लो गवर्नमेंट जो मनी प्रिंट करती है वर्सेस इन्फ्लेशन। अब ये जो रेड लाइन है ये इन्फ्लेशन है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये मनी कंट्रोल है, मतलब M2 ईयरली ग्रोथ जो भी है मनी प्रिंटिंग। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ देखोगे ये ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे मनी प्रिंट हो रहा है, और ये नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे मनी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है और इंटरेस्ट रेट हाई हो चुका है, इन्फ्लेशन भी हाई हो चुका है, इसीलिए मनी प्रिंटिंग बंद है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर ये ऊपर गया, इसका मतलब ये मनी प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे मनी प्रिंट हुआ, यहाँ पे कुछ मनी प्रिंट हुआ इस जगह पे, मतलब जब भी ये ग्राफ इस तरह से ऊपर जाएगा इसका मतलब मनी प्रिंट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये पीक हुआ फिर ये नीचे आया, तो ये इन्फ्लेशन का पीक हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद यहाँ से डिक्रीज किया, वैसे ये यहाँ पे हुआ इंक्रीज किया इन्फ्लेशन, फिर डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। तो ये अराउंड 1974 की बात है, एंड अगर आपको 1974 के बारे में पता हो तो उस टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब था। यहाँ पे आप देखो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था, ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा हो चुके थे, यूएस में वार हो रहा था, रिसेशन आ चुका था, और बहुत सारी चीजें, और इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो चुका था। अगर आप अभी देखो 2020 के टाइम पे, 2020-2021 ये कोरोना का टाइम था, इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने मिला, स्टॉक मार्केट भी क्रैश किया, इन्फ्लेशन अभी हाई पे है। और अगर मैं आपको इन्फ्लेशन दिखाता हूं एक सेकंड, अगर मैं इसे स्ट्रेच करूं तो आप इस जगह पे देखो, यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना ज्यादा हो चुका है, मतलब कितना ज्यादा, मतलब ये पीक देखो आप, यहाँ पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और यहाँ पे देखो मनी प्रिंटिंग जो हुआ था 2020 में, आप डेट देखो अराउंड ये, यहाँ से मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था 2020 में, और ये जो मनी प्रिंटिंग हुआ ये चीज वो मतलब ग्राफ है, इसे मैं फिर से यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, सो अब गाइस वही चीज यहाँ पे भी होती है 1974 में, तो 2020 में हमें जो चीज देखने मिला था वही सेम चीज हमें 1974 में भी देखने मिला था, और 1974 के बाद जो हुआ वही चीज फिर से रिपीट हो सकता है, और हम सबको पता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो जैसा सिनेरियो 1974 में था वैसा ही 2022 में हमें देखने मिला, मतलब 2020, 2021, 2022,
और उसके बाद 1974 के बाद जो चीजें हुई वैसी चीजें ही हमें हो सकती है 2022 के बाद, मतलब 2023 2024 में देखने मिले। और इसी से हमें काफ़ी अच्छा पैसे कमाने का मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे दिखती है, और उसके बारे में बात करेंगे अब कि मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है, कैसे आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो मार्केट से। तो अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करोगे, आप सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे राइज किया, उसके बाद ये नीचे आ गया, मनी प्रिंटिंग जो है वो कम हो चुका है अब। और यहाँ पे आप देखो इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, इन्फ्लेशन जैसे पीक होता है मनी प्रिंटिंग वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और मनी प्रिंटिंग जैसे ऊपर जाता है और मनी प्रिंटिंग जब पीक कर जाता है उस टाइम पे देखो इन्फ्लेशन काफी नीचे है, और उसके बाद जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाता है उसी तरह से मनी प्रिंटिंग नीचे आ जाता है। इन्फ्लेशन में पीक आया, उसके बाद मनी प्रिंटिंग फिर से ऊपर जाने लगा, और ऐसा ही कुछ सिनेरियो इस बार भी ऐसा ही हुआ है, मतलब 2020 के कोरोना टाइम पर। 1974 में आप देखो यहाँ पे काफी कम था मनी प्रिंटिंग, मतलब मनी प्रिंटिंग बंद था आप कह सकते हो, और यहाँ पे इन्फ्लेशन पीक पे था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मनी प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ और मनी प्रिंटिंग काफी ज्यादा हुआ, इस जगह पे मनी प्रिंटिंग पीक हुआ, और उस टाइम पे आप देखो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा नीचे आ चुका था। और यही चीज हमेशा होती है, जब भी इन्फ्लेशन पीक करता है मनी प्रिंटिंग नीचे आता है, और जब भी इन्फ्लेशन नीचे आना स्टार्ट होता है फिर से मनी प्रिंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर इन्फ्लेशन पीक करता है, फिर उसके बाद वैसा ही होते जाता है। तो अब भी वैसा ही कुछ होने वाला है। आप अगर देखोगे, मैं इसको थोड़ा फिर से इंक्रीज कर देता हूँ, अगर मैं इसको यहां तक लेकर के जाऊं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, तो आप यहां पे देखो ये इन्फ्लेशन यहां पे पीक हो चुका है, और अब जो है मनी प्रिंटिंग का जो ये लाइन है ये भी काफी नीचे आ चुका है। तो अब क्या हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि इसके बाद इन्फ्लेशन, जैसे आप देखो ये पीक होने के बाद ये नीचे आना स्टार्ट भी हो चुका है, तो यहां से मनी प्रिंटिंग हो और यहां पे मनी प्रिंटिंग होते होते कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने मिले। लेकिन ऐसा हो सकता है, अब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एनालिसिस जो हमने 1974 में किया, हमें कुछ ऐसा देखने मिल सकता है कि मनी प्रिंटिंग काफी ज्यादा हो सकती है इकोनॉमी में अभी। ओके, तो मनी प्रिंटिंग हो सकती है तो हमने समझ लिया। अब मनी प्रिंटिंग से हमें क्या फायदा है, जब भी मनी प्रिंट होता है तो वो कहाँ जाता है, वो घूम फिर करके स्टॉक मार्केट में ही आके लग जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही मनी प्रिंट होता है, मैंने कई बार वीडियोस में ही बताया हुआ है, जब भी मनी प्रिंट होता है मनी प्रिंट होने के बाद काफी ज्यादा मनी हो जाता है, और इसीलिए लोन लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, तो कंपनीज को काफी सस्ते लोन्स मिल जाते हैं, तो कंपनीज के पास काफी ज्यादा पैसा हो जाता है, लोन का ही हो बट पैसा होता है, और कंपनी इससे काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकती है, काफी ज्यादा सेल कर सकती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, और इससे कंपनी का स्टॉक ऊपर भागता है, और इसी तरह से ये हमें स्टॉक मार्केट में देखने मिलता है। और इस बार भी कुछ वैसा ही होगा, जैसे ही मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होगा वैसे ही स्टॉक मार्केट ऊपर भागेगा और हमें एक बुल रन देखने मिल सकता है। अब सवाल एक किया आता है कि ये कब होने वाला है, तो स्पेसिफिक डेट तो किसी को नहीं पता, बट यहाँ पे माइकल बरी जी ने वही चीज मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे सीपीआई लोअर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है नीचे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी नेगेटिव इन सेकंड हाफ ऑफ 2023, मतलब 2023 के सेकंड हाफ में होने वाला है। फेड विल कट, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है नीचे आने वाला है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जैसे ही इन्फ्लेशन ऊपर जाता है इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर ले जाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जैसे ही इन्फ्लेशन नीचे आना स्टार्ट होता है उसके कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ महीनों या फिर कुछ सिक्स मंथ्स के बाद, इन्फ्लेशन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट को भी कट किया जाता है और नीचे लाया जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फेड विल कट, फेड का जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होगा और गवर्नमेंट जो है वो स्टिमुलेट होगी, और यहाँ पे उसके बाद जैसे ये एक बॉटम बना लेगा, और बॉटम बनाने के बाद फिर यहाँ पे हमें एक इन्फ्लेशन में एक पीक देखने मिल सकता है। ओके, सो अब हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में एक सवाल आए कि अब इससे पैसे कैसे कमाने। हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन ऊपर गया था, पीक हुआ था, नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे मनी प्रिंट होने वाला है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा सेकंड हाफ ऑफ 2023 में ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो इस टाइम पे आपको SIP नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड नहीं करना है, आपको इससे पैसे कैसे कमाने। तो आपको सिंपल से बहुत अच्छे स्टॉक्स और बहुत पोटेंशियल वाले स्टॉक्स, उनमें पैसे लगाने हैं, और वो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। जैसे कुछ स्टॉक्स अभी काफी नीचे है, जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था डीमार्ट के बारे में, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स है मैंने एनालिसिस किया हुआ है, आप उनको जाकर के देख सकते हो, कुछ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। तो जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स, जो थोड़े सस्ते आ रहे हैं, मतलब सस्ते इन द सेंस ऊपर से ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुके हैं काफी ज्यादा और नीचे आ चुके हैं, उनको एक अच्छा रनअप मिल सकता है इसमें, और उनमें काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने मिल सकते हैं। और पर्सनली अगर मैं आपको बोलूं तो आप इस टाइम पे बल्क बाइंग मत करो, मतलब आपके पास जितने पैसे जो आपने बचाए हुए हैं, मतलब आप बाद में स्टॉक खरीदोगे वैसे, तो आप एक बार में उसको मत इन्वेस्ट कर दो, आप आराम आराम से इन्वेस्ट करना, मतलब पार्ट बाय पार्ट आप इन्वेस्ट करना, या फिर आप कह सकते हो आप एग्रीगेट करना इसको आराम आराम से,
और कुछ भी जो भी आप स्टॉक खरीद रहे हो उसको आराम आराम से एग्रीगेट करना, क्योंकि हमें कोई भी बॉटम नहीं बता सकता कि यहाँ पे बॉटम ये होने वाला है, पीक ये होने वाला है, यहाँ से बुल रन आने वाला है, तो आप आराम आराम से एग्रीगेट कर सकते हो अब। ओके गाइज, तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और साथ में एक और बात, इसमें मैंने जो भी चीज़ें बताई वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस था। आपको बाई करना है, आपको सेल करना है, आपको कुछ भी करना है मार्केट में, वो अपने ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से आप करो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो।